डूंगरपुर एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना की देवल चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल खराड़ी को शुक्रवार को 6,000 की राशि बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। दरअसल देवल चौकी अंतर्गत बटका फला निवासी एक परिवार ने कुछ दिन पूर्व मारपीट के एक मामले में उसके परिवार के लोगों को देवल चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले को कमजोर करने, मोबाइल फोन, सोने का जेवर देने और मोटरसाइकिल को जब्त न करने के एवज में परिवादी से हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल ने 10,000 रुपए की मांग की और 6,000 में सहमति बनी। परिवादी और सह परिवादी ने 6 फरवरी को एसीबी विभाग में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मामले की पुष्टि होने पर टीम एसीबी ने हैरब जोशी के नेतृत्व में 10 फरवरी को कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल की पैंट की जेब से रिश्वत राशि बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल टीम एसीबी आगे की कार्रवाई कर रही है। 6 तारीख को परिवादी थावरचंद और उसके चचेरे भाई घटू ने चौकी पर आकर रिपोर्ट दी कि हमारे भतीजों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच देवल चौकी प्रभारी ईश्वरलाल जी हेड साहब कर रहे हैं। वो जांच में सहयोग करने और मुलजिम नहीं बनाने और मोटरसाइकिल जब्त तो नहीं करने वगैरह मुकदमे में रियायत देने की वजह में रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। टोटल 21,000 में बात तय हुई, जिसमें 11,000 पूर्व में ले चुके हैं, अभी 10,000 रुपये और मांग रहे हैं, जिस पर नियमानुसार सत्यापन कराया। दिनांक 7 तारीख को सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल द्वारा 10,000 में से काफी उन्होंने भी नहीं करने पर 6,000 देने पर सहमत हुआ, जो नियमानुसार आज ट्रैप का आयोजन किया जाकर ईश्वरलाल हेड कांस्टेबल देवल चौकी प्रभारी को पुलिस चौकी देवल में परिवादी से 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी।